आप में से कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो पूरे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं? सोच लेना, मैं यहाँ पे बिठा करके बुलवाऊंगा। सोच लेना कुछ का ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी अच्छी भी नहीं है। कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? सर फंबल बहुत करता है, फंबल होता है और अंदर से बोलने से पहले ही हमको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं आपको समझ आ जाएगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा बोलने के लिए तो आप कॉन्शियस हो जाओगे। जितने हम फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश बोलते हैं। उस कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल पाते, तो उस कॉन्फिडेंस से कैसे बोलें, दैट इज अ चैलेंज। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है ना? मतलब ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, उनको तो पहले स्कूल जाना है, ABCD पढ़नी है, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं सकते। अगर मैं उनसे पूछूं क्या समझ आया बताओ इंग्लिश में बताओ, तो वो अटक जाएंगे वहां पर जाकर के। इसके पीछे रीजन क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? एक तो है सुपरफिशियल लेवल के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैं आपको आकर के बताऊं कि देखो अपनी ग्रामर को ऐसे ठीक कर लो, ये कुछ वर्ड्स हैं अगर आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, व्हाटएवर। बट ये नहीं है प्रॉब्लम की जड़, प्रॉब्लम की जड़ कुछ और ही है। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या हैं, हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस सर, नो, ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे, जबकि वर्ड्स हमको पता है कि इसको ट्री बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको संदीप बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या जड़ है? आराम से सोचना, जल्दी में एकदम से बोलना मत, आराम से सोच करके बोलना। बताइए सर, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बचपन से जो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की, तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाए कि हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ तो काम हो जाएगा, मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक है लंबा प्रोसेस कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पर जा करके स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक करके आपको बताएंगे वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये क्या, उसी में आदमी पागल हो जाएगा। एक तो पहले ही वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, साथ में ये भी देखना पड़ रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो गया ना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीख भी सकते होगे तो नहीं सीख पाओगे, अगर सीख भी जाओगे अंदर ही अंदर तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि अंदर और खचड़ पचड़ हो गई। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना, वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हिंदी हमने कैसे सीखी, अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। क्या आपने पढ़ करके सीखी, मतलब जब स्कूल में हिंदी सिखाई तब आपको हिंदी समझ में आई, या उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके थे? हाँ, जब हिंदी में वो चैप्टर शुरू हुए थे स्कूल में, उससे पहले ही आप कई गालियाँ सीख चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे, है ना, हाँ, आप आराम से बात कर पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, किसी से कुछ मांगना है मांग लेते थे, व्हाटएवर। तो कैसे सीखी हमने हिंदी? इंटरैक्शन करके। लेकिन इंटरैक्शन, हमें तो हिंदी आती ही नहीं, हम इंटरैक्ट कैसे करें? इंटरैक्शन तो तब होता है जब दोनों लोग दोनों तरफ से इंटरैक्ट करें। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्युटली, मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे और कॉपी करते थे, इमिटेट। जैसे नकलची बंदर, आपने एक वर्ड सुना होगा, कभी किसी बंदर के सामने जाओगे ऐसे ऐसे खुजाओगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, व्हाटएवर, तो बंदर भी वही करने लग जाएगा। तो उस बंदर में और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको पता है आप भी पहले बंदर ही थे, राइट, और कुछ लोग तभी बंदर हैं। तो
हमने कैसे सीखा, जो भी हरकतें बड़ों को करते हुए देखा उसको कॉपी किया, वो बोल रहे हैं तो हमने भी वो बोलने की कोशिश करी, चाहे टूटा फूटा बोला, जैसा मर्जी बोला, लेकिन बोला। उन्होंने कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हम भी गुस्सा करना सीख गए, है कि नहीं। हमें पता है कि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ होता नहीं है, बैठे बैठे बस देखते रहते हैं, तो बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं माँ बाप आपस में कैसे लड़ रहे हैं, कैसे माँ लड़ करके अपनी बात मनवा रही है बाप से, तो बच्चा वहाँ से सीख लेता है, बच्चे को समझ आ जाता है अच्छा मुझे यही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानने वाले, है ना। तो बच्चा टेंट्रम करना सीख जाता है और फिर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो फिर अगली बार और टेंट्रम करता है, और ऐसे ही हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब है हम हिंदी कैसे सीखे, देखते रहे देखते रहे, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जब हिंदी आती ही नहीं तो समझ कैसे आएगी, बट धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे समझते रहे कि जब ये इस तरह के वर्ड्स मुंह से निकलते हैं किसी के तो उसके बाद में एक्शन क्या होता है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टॉय, तो इमीडिएटली हमको समझ आया इसको टॉय बोलते हैं, है ना। तो वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों के अंदर क्योंकि वो कई बार गाड़ी को भी टॉय बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि टॉय क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, गलतियां करी, करते 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 एफर्टलेसली कम्युनिकेशन होने लग गया, इंट्रैक्शन होने लग गया। उस इंट्रैक्शन से क्या हुआ कि अब वो जो सोच रहे थे वही वो बोल रहे थे, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बच्चों की यही खास बात है, बच्चों के अंदर कोई फिल्टर नहीं है, दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो पहला स्टेप हमको पकड़ में आ गया, ऑब्जर्वेशन, दूसरा है प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप बताओ मुझे क्या है, प्रैक्टिस करने में प्रैक्टिस करें कहां, किसके साथ करें, आप समझ गए ना। हमको पता है ये सारी बातें लेकिन हम एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं उसके और एक लेवल डीप में जाने वाला हूं, प्रैक्टिस कहां करें, किसके साथ करें, कैसे करें। दोस्तों से करोगे तो वो माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएंगे, है कि नहीं। घर में आप किसी से बात करोगे, अपनी मदर से करोगे, तो आपकी इंग्लिश जो बची खुची है वो भी खराब हो जाएगी। हाँ, बड़े अंग्रेज आ गए जी, क्या हो गया, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सीखना जरूरी थोड़ी ही ना है। उनको बोलो ठीक है इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जॉब है, वहां पर इंटरव्यू होने वाला है, वो इंग्लिश में होने वाला है, बोलना अपने घर वालों को। अगर कोई बोलता है ना ऐसी कोई तकियानुसी बातें करते हैं कि हमारी हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, तो उनको बोलो ठीक है फिर तो इंटरव्यू भी देना जरूरी नहीं है, नौकरी भी करना जरूरी नहीं है, बेचो अपना घर, एफडी कराओ, मजे से रहेंगे, खाना ही तो खाना है, उसके लिए नौकरी क्या करनी है, आपका घर है तो सही, बेच देंगे, एफडी करा देंगे, किराए पे रहेंगे, ठीक है जी। पकड़ में आ रही है बात, प्रैक्टिस कैसे करोगे जी, किससे बोलोगे, सब्जी वाले से बोला दो तो वो गड़बड़ हो जाएगी, take this. तेरी लगाओ कान के नीचे तो गाली निकालती है मेरे को। फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो और क्या जरूरत है, मुझे तो इंग्लिश आती है, आती किसी को भी नहीं है, समझ गए ना, समझ आती है, बोलने में कोई भी सारे पैदल हैं। और कई बार वो हंसते भी हैं, कई बार क्या, हमेशा ही हंसते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलोगे वो मजा ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। हिंदी वर्ड्स में जो फीलिंग है इश्क, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ मिलेगा, लव में वो मजा थोड़ी है, प्यार मोहब्बत, सारी फिल्में ऐसी देख देख करके हम बड़े हुए हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यू बी माई ब्राइड, यू नो, इसमें मजा नहीं आएगा, तू मेरी दुल्हन बनेगी। क्या प्रेम रोग, ये पिक्चर देख देख के आप बड़े हुए हो, ओ भाई साहब, सारे प्रेमी बैठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े हैं, बढ़िया है जी, बताओ जी ऑप्शन बताओ। इट्स अ गुड आइडिया, आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में, उसमें मज़ा भी आएगा और उस डायरी को जब आप एक साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। ये मैं स्कूल में लिखता था, अब मैं बता नहीं सकता उसमें मैं क्या क्या लिखता था, बट अब मैं देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है,
मतलब कमाल की इंग्लिश होती थी, पता नहीं क्या 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 मैं बनाता था, क्या क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी उसमें चली जाती थी, है ना। तो दिस इज अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं सुबह से रात तक, जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा, सोच करके ही तो लिखोगे, बिना सोचे कैसे लिखोगे। तो दिस इज अ गुड आइडिया। और बताओ व्हाट एल्स। सर उनसे बात कर लेते जिनको हिंदी आती ही नहीं। जिनको हिंदी आती ही नहीं है कैसे करोगे बात? फेस टू फेस, जैसे चाइनीज हो गए या फिर जो भी जिनको हिंदी आती ही नहीं है, अफ्रीकन हो गए सर। और ऐसे लोग कॉन्टैक्ट, व्हाट्स योर नेम, टेल मी, चाइनीज से मत करना भाई साहब। नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका जो फिल्टर ना हो, जैसे अभी डायरी का ऑप्शन दिया, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन सोच सोच के लिख रहे हैं, वो फिल्टर आ रहा है, वो फिल्टर को कैसे रिमूव करना है, ये कोई तरीका? सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे, वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो एक सेकेंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं, और हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, इतना डेटा एकदम से निकल गया है, हमें लग रहा है एक सेकंड वीडियो का निकला है, एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। ऐसे ही जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं वेदर कैसा है, आप यही बोलोगे वेदर अच्छा है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वर्ड्स कहां से आए? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, उसके साथ में कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं, वो सारे जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी में जुड़े हुए हैं, तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड्स पड़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं। इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं, हिंदी के भी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पढ़े हुए हैं, बट आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्यों? क्योंकि आप सोचते, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो, और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व। हैबिट आपकी अभी पड़ी हुई है हिंदी में अंदर सोचने की, सुबह से रात तक आप करते क्या हो? कभी नोट करना, कहीं पर अकेले बैठे हुए हो, कभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एकदम से पढ़ाई से ध्यान हटा, बैठ करके कुछ सोच रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई घर में उसके बारे में सोच रहे हो, सोने से पहले कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, थॉट है क्या अगर बोलना नहीं है तो? कभी ध्यान से अपने थॉट्स को देखना, थॉट्स में अगर वर्ड्स नहीं है तो थॉट भी नहीं है, बिना वर्ड्स के सोच के दिखाओ। किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसका कोई वर्ड माइंड में पड़ा ही नहीं है, इम्पॉसिबल। हमें यह लगता है कि बात करना या बोलना मतलब सिर्फ आपसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसको बात करना कहते हैं। अजी नहीं, जो हम अपने अंदर सुबह से रात तक बोलते हैं एक्चुअल में वो बात करना है। अगर अपने अंदर ही अंदर आप इंग्लिश में बोलते रहो, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, या और कुछ नहीं तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दो अपने माइंड के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखोगे, नहीं भी चाहोगे तो मुंह से वो ही निकल रहा होगा जैसे थॉट चल रहे होंगे। इट इज कॉल्ड हैबिट। कितना सिंपल है, मतलब समझ गए ना कि अकेले में आप कहीं पर बैठे हो तो बैठ करके सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, थिंक इन इंग्लिश। अगर आप अंदर सोचने की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो नहीं बोल पाओगे, अटक जाओगे, बार बार गलतियां करोगे, और जितनी गलतियां करोगे उतना ही आपका मजाक उड़ेगा, उतना ही आप कहोगे छोड़ो मेरे को नहीं बोलना। तो इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश के वर्ड्स में सोचना है, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, चाहो तो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको कोई और चाहिए भी नहीं है, अपने अंदर ही अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एक सेकेंड ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिंपल वर्ड्स। यहां पर हम जाकर के फंस जाते हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड में जो आप सोच रहे हो, बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स।
क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्लुएंटली आपकी आदत पड़ जाएगी इस तरह से सोचने की। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ से, बजाय कल के ऊपर डालने के, आज से और अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो भी बोलना है या मैं जो भी बोलूँगा इंग्लिश में बोलेंगे, एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिस होगी ना। ना से तो हाँ है, वैसे आधा घंटे में कुछ होने वाला नहीं है लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सोच सोच करके नहीं बोलना है, बोल देना है जो भी अंदर से आ रहा है। What we can do at our home is that we can ask our mother or father that you can give us any topic, any XYZ topic such as dog, water, anything, and we just have to speak for a minute on that topic. Extempore basically. So it, once a week, even if we do it. And we don't need to use these kind of words like extempore or whatever. So now what is going on is, like say we can have a practical demo as in what we need to do and what we don't need to do. And even if you commit some mistakes, it does not make any difference. My English is also not that good, but how does it matter? If there are people who are making fun of you, they are just giving a boost to their own ego. Yes. If you go and speak in English with a foreigner, they will never make fun of you. Because for them, it's not that important whether what you are saying is right or wrong. What is important is whether they are able to understand, like say, whatever you are trying to express. So sometimes it happens that like our generation is fond of online shopping, or maybe like if there is a problem in the phone or something like that. So what we can do is instead is that we can call the customer care. There is an option that one can call, the other is in Hindi. It's a great idea. They not judge you according to your voice, and you'll be able to get it that whether they are understanding your English or not. Yeah, and I know that there are some people who talk to these, who call up at these call centers and talk about all the shit stuff. Just for time pass. So now at least you are learning something. I think it's a great idea. Yeah, you can talk to them. You can create an imaginary problem, right? Related to that product or service, right? Create an imaginary problem in your mind. Oh, I'm going through all this pain and suffering and whatever, and then feel it and then call up. I'm so depressed because of this product. Ma'am, please do something. You'll get to know that whether they're like able to understand what you're trying to. They will understand. They have to understand because it's their job. The job of your friends is to make fun of you. Point out your mistakes. This is where you're wrong. Whatever. So it's all about right and wrong. But their job is not to tell you that your English is right or wrong. Their job is to understand whatever you are saying and then give you a solution. There are some things in life where you can't afford to be mechanical. You need to put some conscious effort in it. You need to think, okay, what is it that I need to do? There is a problem. I need to figure out a solution. So here you need to consciously think about that particular problem and need to come out with a solution. So when you're busy, just try to understand the depth of this. When you're busy with finding the solution to a problem, you're so busy and so occupied that you're not concerned about being right or wrong. When we are busy in something, then we are not thinking too much about it. For example, you must have noticed, if you are speaking with a foreigner, some of your relatives or whatever, like say they are from UK or US and they've come to India at your home, and you are talking to them in English. Do you see what I'm saying? Now you are so busy in talking to them, you are not thinking about being right or wrong. Yes, sir. So if you are trying to find out the solution of the problem which is right now there on the top priority, you would see the whole of the energy is going in finding out the solution. So this English will start coming out effortlessly. These thoughts, these words in English will start coming out effortlessly because this is what you desperately want and need. This is the power of our mind. I'm going in a different dimension. Like say, if your mind has to do something, if you are in a situation, for example, if there is a mother and a child, and the mother says, no, I don't have that much of energy in my body or whatever it is, right? But the moment her child is in danger, she will have so much of energy that she'll be able to fight with 10 people all by herself. How was this energy released?
whenever there is a problem which is huge, then the mind releases energy to find out a solution. And mind has the power to do anything and everything. Interesting, no? Try to find out the solutions of the biggest problems in your life in English. That will take care of this problem of learning English. So, you will not have to put in effort to learn English. You will learn English automatically. As you learnt Hindi automatically. It's easy. It's easy. It's simple. The major thing that discourages us to speak is like being judged by people, and like at the back of our minds we always think what would the other person think about us. Let those people go to hell. Curse them in your mind. Stare karte hain wo log aur galat bolte hain. So English. Speak up with confidence. This is the key. You know what? Even if you're not confident, just pretend to be confident. It's okay, no problem. Anything else? I think we stammer or get stuck while speaking because we get short of words while speaking, and then we get short of thoughts also. So if we are in continuous, like we are reading or we are writing anything, so we are not short of thoughts, and consequently we are not short of words also. Right. So one is that we are reading and writing and something to do with conversation. One is reading or writing like mathematics or something to do with science. Because these kind of words, or chemistry or biology or physics, these kind of words we don't use in our day-to-day conversation. So we need to read something or listen to something or go through something which is related to our day-to-day lives. So maybe you can watch Friends. This is one of my favorite, like... Game of Thrones, I've heard a lot about it, but I don't know what it is. Go for Big Bang. Big Bang Theory? Same house. I don't know. No limits. In my old age home, these things are not there. So, I have tried this thing. I used to think whatever goes on in my life. But what thought comes up is, maybe I'm wrong. Whatever I'm thinking is wrong. So how would these things get correct? Like, who will correct me? Even if you're wrong, how does it matter? That we need to understand again and again. Initially, whatever we do, we will be wrong. This is the problem because of which most of the people are not able to do what they really want to do. Because they want to be right. This is a big trap. When you start doing something, anything for that matter, whether it is business or any kind of work or an art or a skill, what happens is we try to do it and we are not able to do it properly and we give it up. Yes. Even if you are wrong, it is not about a life or death situation. Yeah. It is not Game of Thrones. Nobody is going to kill us or anything of that sort. At max, what can happen is, like, say somebody will make fun of us. So, what is happening is they are smiling, they are laughing. Right, because of us. So, is it a problem or is it a good thing? Good thing. It's a good thing. Because something good is going on because of you. Whether they are laughing on your jokes or whether they are laughing on you, how does it matter? We need to say, okay, no problem. Just keep doing it, keep doing it, keep trying, keep trying, keep trying. I think that is a key word. Keep trying, keep trying, keep trying. Sir, Dr. APJ Abdul Kalam has stressed on this thing that no matter what your age is, you should keep learning always. Right. And we need to understand all these things practically, not theoretically. Yes. One is theoretically, okay, I understood. Then what? You need to bring it in practice. That's where you need courage. That's the basic difference between a winner and a loser. Losers understand all these things. They would say, okay, I know all these things. Tell me something new. Abhe khachar. What will you do of something new?
even if you get more and more of new information, so-called new information in your brain, which is as good as dead because you're not using that information to do something, to bring it into action, what will you do with that information? They're just fond of information, which they think is learning, but that is not learning at all. Learning means getting some information and bringing it into practice. That is learning. The moment you bring something in practice, either you will succeed in it or you will fail. So whether you succeed or you fail, you need to let it go and keep on building your practice.